जैसे 16,000 कर्मचारियों के तो जाति पता नहीं कर पाई सरकार होते हुए, और कुछ जगह अहीर और यादव सब लोग जानते हैं एक ही जाति है, उसको बाइफरकेट करने का काम किया गया, क्योंकि पिछड़ी जातियों में जो बीसीबी में है सबसे बड़ी जनसंख्या उन्हीं की है, सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन भी उन्हीं को मिला है। और उसमें जो जाट समाज के परसेंटेज दिखाई गई है उसमें भी क्या है कि क्लास टू में और क्लास वन में जो प्रमोशन की पद्धति है उस पत्ति के तहत बहुत से लोगों को नौकरियां मिली होगी। फिर एक खेल का कोटा हरियाणा में है, फ्रीडम फाइटर का कोटा हरियाणा में है, एक्स सर्विस मैन का कोटा हरियाणा में है, जिसमें अधिकतर हम लोगों की हिस्सेदारी है 70-75%, क्योंकि उन खेलों में भी हम खेल कोटे में आते हैं। तो उस तरह की नौकरियों को भी जनरल में काउंट किया गया, और फिर ये भी बताने का काम आयोग को किया गया कि जिस तरह से आंकड़े सरकार ने जुटाए हैं उसकी मंशा पे इसलिए डाउट है कि ओबीसी जो रिजर्वेशन है वो क्रीमी लेयर बेस्ड रिजर्वेशन है। किसी भी जाति को जो ओबीसी रिजर्वेशन में है उसके क्रीमी लेयर वाले को उसका फायदा नहीं मिलना। आंकड़े जो जुटाए गए उसमें ये नहीं बताया गया कि कितने लोग इनमें क्रीमी लेयर से ऊपर के लोग नौकरियां मिली और कितने लोग नीचे को नौकरी मिली। हमारी जो लड़ाई है वो नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए लड़ाई है, और अधिकतर क्लास वन टू और प्रोफेशनल कोर्सेज में हमारे समाज के ज्यादातर उन लोगों की नौकरियां लगती है जिनकी पहली जनरेशन पढ़ लिख के शहरों में पहुंच गई है। अगर आप किसी एचसीएस को, किसी इंजीनियर को, डॉक्टर को आप पूछेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसके माँ बाप कहीं जॉब कर रहे थे या वो बड़े किसान का बेटा था। तो वो भी आंकड़े भ्रामकता पैदा करते हैं क्लास वन और टू में। और दूसरी बात, हमने सरकार को यह भी बताने का काम किया आयोग को कि जो आंकड़े सरकार ने दिए वो अपने आप में एक्सप्लेनेटरी है। जैसे बीसीसी और डी की जो श्रेणी है उसमें जो स्वर्ण जातियां हैं, जो अग्रणी जातियां हैं, जो नॉन रिजर्वेशन की जातियां हैं, उनकी परसेंटेज बहुत कम है, क्योंकि वे लोग कम भी है और उन डिपार्टमेंटों में जो हमने पता किया उन डिपार्टमेंटों में है जिनमें भारी भ्रष्टाचार और मुनाईदार काम सेल टैक्स में, वहां क्लर्क लगते हैं। तो उन जातियों में क्लर्क लगते हैं जिनको वहां आराम नजर आता है, या सरकारी महकमों में जिला कलेक्ट्रेट के दफ्तरों में, मतलब जिस तरह से फायर सर्विसेज है, डीटीसी है, पुलिस के सिपाही है, उन डिपार्टमेंटों में उनकी भागीदारी थी क्योंकि वो उनके बिलो डिग्निटी है। तो जो संविधान में दिया गया है पिछड़ा कौन, पिछड़ा वो जिसकी मानसिकता पिछड़ेगी। तो जब ये जातियों की परसेंटेज वहां नहीं है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये उन काम को हीन काम मानते हैं, हमारी परसेंटेज वहां ज्यादा है क्योंकि वो काम भी मेहनत से खेती की तरह ही है। और जो सामाजिक पिछड़ापन था, सामाजिक पिछड़ापन में हमने 15-20 अवसर आपके इसमें है जिन्होंने जिन जातियों को रिजर्वेशन मिला हुआ है, जो हमारे संघर्ष जाति उत्तर भारत में रहती है, चाहे वो यादव है, चाहे कुर्मी है, चाहे लोधा है, उन सब जातियों को तमाम इतिहासकारों ने कहीं कहीं पर तो गुजर को हमारे प्लान उनसे मिलते हैं, एक ही परिवार के लोग साथ बताएंगे, और ये तमाम उन्होंने आगे दिए उन लेखकों ने कहा कि ये तमाम जातियां एक ही विजेंट्री कास्ट है, एक ही तरह के काम करती है, एक ही स्तर इनका है समाज में, और जो सामाजिक भूखा पानी का स्तर है वो भी इनका एक जैसा। तो ये तमाम चीजें आज कमीशन के जो जस्टिस एस एन अग्रवाल जी थे उनसे मिलकर सारी बातें रखी, उनको कहा कि जो रिप्रेजेंटेशन हमने दिया है उस रिप्रेजेंटेशन में जब भी आप फाइनल करें तो इन बातों को भी ध्यान में रखें। कॉन्स्टिट्यूशनली एक पार्ट है 15(4) और 15(5) जो आर्टिकल 15(4) और का क्लोज 4 और 5 वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस कहता है। जो 2011 का सेंसस है उसके आंकड़े भी आ चुके हैं हरियाणा के, उसमें ग्रामीण क्षेत्र में 4.71% ग्रेजुएशन है केवल। तो वो कास्ट जो कास्ट सेंसस हुआ था कास्ट के आंकड़े नहीं आए लेकिन एजुकेशन के आंकड़े आ चुके। और संविधान ये कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को ही रिजर्वेशन मिलेगा। सोशल बैकवर्डनेस कैसे डिफाइंड होगी, वो जो सामाजिक स्तर है, वर्ण स्तर है या वो स्तर है, उसमें
भी इस तरह का है, फादर्स जो डिफरेंट लेखक है अलग अलग जातियों के हैं जो सोशल वर्क करते हैं उनके राइटर भी दे दिए गए। तो ये सारी बातें आयोग के सामने रख ली गई है और आयोग के पाले में है ये गेम कि वो किस तरह से आगे वो करे। और आगे हम लोगों ने सरकार के पास समय है, कोर्ट ने भी समय दिया हुआ, आगे हम लोगों ने भी ये निर्णय लिया है कि हम लोग भी अपना आंदोलन पिछले साल हमने 29 जनवरी से शुरू किया था और इस बार हम 18 तारीख को जो 2010 से लेकर 2016 तक इस आंदोलन में बलिदान हुए 18 तारीख को हम लोग बलिदान दिवस मनाएंगे। और बलिदान दिवस अठारह फरवरी को बलिदान दिवस मनाएंगे। बलिदान दिवस पे ही आगे निर्णय होगा कि आंदोलन की रूपरेखा क्या हो और वो 18 से ही शुरू हो आंदोलन या 18 के बाद शुरू हो उससे पहले। और ये इस बार पूरे देश में होगा, मतलब ये हरियाणा में नहीं होगा क्योंकि केंद्र के रिजर्वेशन का बिल भी पेंडिंग है। सरकार का वादा है कि आयोग जो बन रहा है उसका बिल ओबीसी बिल इसी जो बैकवर्ड कमीशन का बिल है इसी सत्र में आने की संभावना है। तो वो हम लोग पूरे जो 12-13 राज्य जाटों के हैं सभी जगह पे 18 फरवरी को बलिदान दिवस मना के और आगे आंदोलन की रणनीति क्या करके आंदोलन शुरुआत किया जाएगा। इसी चीज को लेकर हमने 23 दिसंबर को अपनी घोषणा की थी और बलिदान दिवस में खाली जाट शामिल नहीं होंगे, जो 36 बिरादरी के लोगों को शामिल करेंगे सबसे रिक्वेस्ट करेंगे। और जो हरियाणा सरकार की नीति रही है भाईचारा तोड़ने की, जातियों को लड़ाने की, उसको बेनकाब करेंगे क्योंकि आज भी इनका सांसद भाईचारा तोड़ने के लिए घूम रहा है, इनके नेता भाईचारा तोड़ने के लिए हरियाणा में ये जाट को गैर जाट को लड़ा के अपना उल्टू सीधा करना चाहते हैं। तो वो भी प्रचार प्रसार हमने कल से शुरू कर दिया 28 तारीख से कुरुक्षेत्र से और सब गांव में जाके 36 बिरादरी जो हमारे साथ इनके हजारों साल से संबंध है, भाईचारे के संबंध है, बगैर भाईचारे के कुछ चलता नहीं है, उन सबको साथ लेकर बलिदान दिवस मनाकर और आगे इनकी जो चुनावी रणनीति है जातियों को लड़ा कर चुनाव जीतने की उसका भी भंडाफोड़ उस दिन किया जाए कि भाई इनकी ये रणनीति जो है चुनावी रणनीति है, इनका किसी जाति से कोई मतलब नहीं, ये राजा बनने की फिराक में जातियों को लड़ाते हैं। और आयोग को जो आंकड़े थे उस पर पक्ष हमने दे दिया, यही 3-4 बातों को लेकर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हमने किया है और उम्मीद है कि जिस तरह से आप सभी भाइयों का हमें समर्थन मिलता रहा वो समर्थन आगे भी आपका मिलता रहेगा। इस बारे में किसी को कोई सवाल पूछना? आयोग को तो सर्वे करा के 31 मार्च तक रिपोर्ट देनी है। आज हमें आयोग ने एक फॉर्म और दिखाया कि वो सभी जातियों का सर्वे कराएगा। हमने उनसे रिक्वेस्ट की इसको आप हमारा सर्वे मत कराएगा, हमारी कंपेटिबिलिटी किससे करेंगे आप, उनका भी सर्वे कराए। तो उन्होंने एक फॉर्म आज हमें दिया कि हम लोगों ने इस फॉर्म को सरकार के माध्यम से कराएंगे या इंडिविजुअल एजेंसी से कराएंगे। 3-4 पेज का फॉर्म है, वो फॉर्म पे भी वो सर्वे कराना चाहते हैं लेकिन मेरे विचार से वो भी आर्थिकता की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। जो एजुकेशन बैकवर्डनेस है वो सर्वे गवर्नमेंट का है, ऑथेंटिक सर्वे कि हाँ गांव में रहने वाला आबादी वो बैकवर्ड है। तो जिस तरह से आयोग काम कर रहा है उसने कहा कि नहीं हम ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेंगे, तो एक फॉर्म भी उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि आगे हम इस आधार पर भी सर्वे करेंगे। हमने लगभग 1000 सैंपल फॉर्म अलग अलग जिलों से हमको भर के दिए थे क्योंकि आयोग ने जिस तरह का फॉर्म पहले अपलोड किया था वो भी गलत फॉर्मेट में अपलोड उन्होंने किया। जब गांव का आदमी पढ़ा लिखा ही नहीं तो वो अपना आंकड़ा कंप्यूटर पर भर कैसे सकता है, और वो इंडिविजुअल को भरना था, मतलब उसको तो सर कांग्रेस दोनों पार्टियों का आपके आंदोलन के बारे में क्या एटीट्यूड? देखिए राजनीतिक लोग जो है ना उनका एटीट्यूड कोई भी देश में, मेरा अपना 11 साल से मैं इस आंदोलन में हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, राजनीतिक लोगों का उद्देश्य केवल चुनाव को अपने फेवर में करना होता है। अभी हमने जो दीनबंधु छोटूराम इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का किया उसमें 26 नवंबर को उसमें चौटाला जी आए, उन्होंने 1 करोड़ रुपए दान भी दिया, और चौधरी वीरेंद्र सिंह आए, वो उनके
दादा के नाम पे भी इंस्टीट्यूट है और वो पार्टी के हिसाब से आए या अपने हिसाब से आए, उनका दोनों तरफ से हक बनता था। प्लस कांग्रेस के लोग दूसरे राज्यों से तो आए, दिल्ली से आए, पंजाब से आए, राजस्थान से आए, उत्तर प्रदेश से आए, लेकिन हरियाणा के कांग्रेस के नेता नहीं पहुंचे। तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पार्टियां इस जंग में हो, गैर जाट की जंग में भाजपा कांग्रेस हो। तो ये समय आने पर जैसे जैसे चुनाव आएगा उस टाइम पे इस रणनीति का लोगों का पता लगेगा, क्योंकि हम लोग तो आम लोग हैं, इसका हम लोगों को ज्यादा पता नहीं लग पाता कि भाई राजनीतिक आदमी की सोच क्या है। आप लोग रोज रहते हो और लोग वार्ताएं भी करते हैं, तो आप लोगों को उस बारे में ज्यादा पता। बीजेपी में है वो मंत्री का पार्ट है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, सपोर्ट तो मुद्दे पे सभी सपोर्ट तो किए, उन्होंने मुद्दों पे सपोर्ट किए, उनके बयान भी लगातार आते रहते हैं। आपने कहा ये आंदोलन दोबारा शुरू करेंगे अगर हम आगे ना बनेंगे, तो क्या ये फिर वैसा ही आंदोलन होगा? नहीं, आप